प्यारे बच्चों, आपने पाठ एक सूरज का पूरा अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया होगा, उसको लिख भी लिया होगा और पढ़ा भी होगा, कविता याद कर ली होगी और उसकी सारी एक्सरसाइजेस भी आपने कर ली होगी। आज हम पाठ दो चालू करेंगे, जो है एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है बेटा। ये है चींटी और हाथी की कहानी। किसकी कहानी है? चींटी और हाथी की। देखो बच्चों, हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर हम ताकतवर हैं और हमसे कम ताकत वाला कोई है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें शारीरिक ताकत कम हो, लेकिन उसमें बुद्धि हो सकती है या फिर वो हमसे होशियार भी हो सकता है। इस कहानी में भी यही बताया गया है। आज मैं आपको ये कहानी पढ़ के सुनाऊंगी। एक जंगल में एक चींटी रहती थी। एक जंगल में एक चींटी रहती थी। वह चींटियों की रानी थी। कौन थी वह? चींटियों की रानी थी। वह सुबह होते ही अन्य चींटियों के साथ भोजन की तलाश में निकल जाती थी। चींटी क्या करती थी? सुबह होते और जो चींटियाँ थीं उनके साथ में भोजन की तलाश में निकल जाती थी। आपने देखा होगा कि चींटियाँ हमेशा एक झुंड में चलती हैं। एक साथ आपने कभी अपने घर में भी देखा होगा कि बहुत सारी चींटियाँ निकलती हैं। उसी जंगल में एक शरारती हाथी भी रहता था। कौन रहता था उस जंगल में? हाथी रहता था। वह कुछ काम नहीं करता था। हाथी कुछ भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन इधर उधर घूमकर पेड़ पौधों को तोड़ता रहता था। कभी वह अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। कभी वह सूंड में उठाकर छोटे पशुओं को ज़मीन पर गिरा देता था। उससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान रहते थे। चींटियों से तो उसे बहुत दुश्मनी थी। जहाँ भी वह चींटियों को देखता तो उन्हें कुचल देता था। रानी चींटी अपने सामने अपने साथियों को मरता देखकर बहुत दुखी होती थी। जब कोई भी उस पर हमला करता था, हाथी जब आके उन चींटियों पर हमला करता था और उनके साथियों को मारता था, तो रानी चींटी को बहुत ज़्यादा दुख होता था। एक दिन रानी चींटी ने हाथी को रोका और कहा, दूसरों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। हमें भी बेटा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, या अपने से छोटे या अपने से कमज़ोर लोगों को कभी भी कोई भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। हाथी ने कहा, मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करूँगा, तुम चुप रहो, तुम छोटी और कमज़ोर हो, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी एक मिनट में कुचल दूँगा। कुचल दूँगा मतलब, वो हाथी के आपने पैर देखे होंगे, खूब बड़े बड़े मोटे मोटे पैर होते हैं, तो वो उससे कुचल देता है। तो हाथी ने कहा, मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करूँगा, तुम चुप रहो, तुम छोटी और कमज़ोर हो, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी एक मिनट में। तो बच्चों, हाथी ने क्या कहा था? मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करूँगा, तुम चुप रहो, तुम छोटी और कमज़ोर हो, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी एक मिनट में कुचल दूँगा। रानी चींटी को बहुत क्रोध आया, बहुत ज़्यादा। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो बहुत उसको रानी चींटी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वह चुप रही। उसने सोच लिया कि वह हाथी को सबक सिखाएगी। क्या सोचा उसने? कि वो हाथी को सबक सिखाएगी। कभी भी बेटा, अगर हम ज़्यादा ताकतवर हैं तो अपने से कम ताकतवर लोगों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आगे की कहानी मैं आपको अगले वाले लेक्चर में बताऊंगी। आपको आज यहाँ तक इस कहानी को पढ़ना है
और इसमें जो भी कठिन शब्द आएंगे उनको आप एक साइड लिखते जाएंगे और बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।